जय हिंद दोस्तों, कैसा आप सर? तो कुछ दिन पहले सैमसंग का जो सैमसंग M21 है उसका 2021 वाला एडिशन लॉन्च हो गया और इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है कि आपको ये फ़ोन इस साल लेना चाहिए कि नहीं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाओ जाकर देख लो। और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि ये जो फ़ोन लॉन्च हुआ है कुछ दिन पहले, आपको ये लेना चाहिए मतलब इस प्राइस रेंज के अंदर, या फिर इसी प्राइस पे एक और फ़ोन आता है F सीरीज का F22, तो आपको इन दोनों में से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि भाई देखो, अभी बहुत सारा कन्फ्यूज़न है क्योंकि दोनों फ़ोन का प्राइस एकदम सेम है। मतलब जो बेस वेरियंट है 4+64GB वाला, दोनों फ़ोन का प्राइस एकदम सेम है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कि कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट रहेगा आपके यूजर्स के हिसाब से। तो आप इस वीडियो को पूरा देखो, वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को पूरा देखो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दो। चलो वीडियो को स्टार्ट करो। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं हम डिस्प्ले के ऊपर, और यहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि M21 जो 2021 वाला एडिशन है इसमें आपको मिलेगा फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, और F22 में आपको मिलेगा HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले। लेकिन यहाँ पर जो रिफ्रेश रेट है वो M21 में आपको मिलेगा 60Hz, लेकिन F22 में आपको ज़्यादा रिफ्रेश रेट मिलता है 90Hz का। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न ये आता है कि कौन सा डिस्प्ले आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो मेरे हिसाब से अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो फुल HD प्लस जो 60Hz वाला डिस्प्ले है वही आपको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 60Hz और 90Hz के बीच में कोई मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर यहाँ पर 120Hz रहता तो आपको डिफरेंस देखने को मिलता, लेकिन उतना डिफरेंस आपको मतलब होगा, थोड़ा बहुत नोटिस होगा, लेकिन उतना भी नहीं होगा कि एकदम अलग टाइप का एक्सपीरियंस मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो मेरे हिसाब से आपको फुल HD प्लस 60Hz वाला डिस्प्ले कंसीडर करना चाहिए। और आप में से बहुत से लोग OTT प्लेटफॉर्म्स पर HD प्लस वीडियो कंटेंट देखना पसंद करते हो, तो हो सकता है कि आपके मन में क्वेश्चन हो कि इन दोनों फ़ोन में से कौन से फ़ोन में वाइडबैंड L1 का सपोर्ट है, कौन से में नहीं है। तो मैं बता दूं कि M21 का जो 2021 वाला एडिशन है इसमें वाइडबैंड L1 का सपोर्ट है, लेकिन F22 में नहीं है। तो अगर आप मतलब ये सब कंटेंट देखते हो HD प्लस में, तो आप M21 में तो देख पाओगे लेकिन F22 में नहीं देख पाओगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप HD प्लस कंटेंट देखते हो कि नहीं। जैसे कि मैं नहीं देखता तो मैं कंसिडर नहीं करता इस फीचर को, लेकिन अगर आप देखते हो तो आपको कंसिडर करना चाहिए। अब अगर मैं कैमरे की बात करूँ तो M21 2021 वाला एडिशन में आपको 3 कैमरा मिलेगा, 3 कैमरा सेटअप, 48 मेगापिक्सल, मतलब यहाँ पर लिखा भी है कि 48 मेगापिक्सल ट्रू कैमरा है, ट्रू 48 मेगापिक्सल। कोई इससे पहले जो M21 का 2020 वाला एडिशन था उसमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा था, जिससे अगर आप 48 मेगापिक्सल मोड में फ़ोटो क्लिक करते थे तो 12 मेगापिक्सल का फ़ोटो 4 एक साथ क्लिक होता था और मर्ज होके एक बेटर क्वालिटी का इमेज आपको प्रोवाइड करता था। लेकिन इसमें 48 ट्रू कैमरा है, और यही सेम कैमरा सेंसर आपको F22 में भी मिलेगा, मतलब 48 मेगापिक्सल ट्रू 48 मेगापिक्सल F22 और M21 दोनों में है। और M21 में और भी 2 कैमरा सेंसर आपको मिल जाएगा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा और 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर। बट वहीं पर F22 में आपको एक और सेंसर ज़्यादा मिलता है, और वहाँ पर जो डेप्थ सेंसर है वो 2 मेगापिक्सल का मिलेगा, और 2 मेगापिक्सल का एक एक्स्ट्रा सेंसर मिलेगा जो है माइक्रो सेंसर। बट मुझे लगता है कि ये उतना काम का है क्योंकि 2 मेगापिक्सल से कितना डिटेल्स आप क्लिक कर पाओगे। तो यहाँ पर सैमसंग ने भी वही किया जो बाकी सारे कंपनीज करते हैं, कि यहाँ पर अपना सिर्फ कैमरा नंबर बढ़ा दिया है, उतना काम का नहीं है ये सेंसर। और एक डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में भी, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एक छोटा सा फर्क है या फिर बड़ा फर्क है, और ये है 4K रिकॉर्डिंग से रिलेटेड। आपको M21 जो 2021 वाला एडिशन है उसमें 4K रिकॉर्डिंग मिलता है, 30fps में मिलता है, लेकिन 4K रिकॉर्डिंग मिलता है, बट F22 में नहीं मिलता। तो अगर आप रिकॉर्डिंग करते हो 4K में, जो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादातर लोग करते हैं, बट अगर आप करते हो तो M21 में आपको मिलेगा, F22 में नहीं मिलेगा। अभी आते हैं फ़ोन के मेन पोर्शन पर, जो कि प्रोसेसर। आपको M21 में वही पुराना वाला प्रोसेसर मिलता है, Exynos का 9611, और इसका परफॉर्मेंस हो सकता है कि आप लोगों को पता हो, जिन लोगों ने M21 यूज़ किया है उन लोगों को पता होगा कि इसका परफॉर्मेंस बहुत ही फ्लक्चुएट करता है। कभी कभी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है गेमिंग के टाइम, और कभी कभी बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस मिलता है। तो ये एक प्रोसेसर है, और जो F22 में आपको प्रोसेसर मिलेगा वो हीलियो G80 मिलेगा, और दोनों प्रोसेसर का परफॉर्मेंस लगभग सेम है, मतलब थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क हो सकता है लेकिन एकदम सेम है। बट अगर थ्रोटलिंग की बात करें तो गेमिंग के टाइम आपको परफॉर्मेंस M21 में आधा से 1 घंटे तक अच्छा मिलेगा, लेकिन उसके बाद थ्रोटलिंग कर जाएगा, आपका परफॉर्मेंस गिर जाएगा। बट F22 में जो प्रोसेसर है हीलियो G80,
ये उतना जल्दी थ्रोटलिंग नहीं करता, मतलब आपको एक से डेढ़ घंटे तक का परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिल जाएगा, उसके बाद हो सकता है थ्रोटलिंग कर जाए और आपका परफॉर्मेंस गिर जाए, लेकिन आपका जो परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी है वो G80 में बेटर मिलता है। बट दोनों में से कोई भी प्रोसेसर हार्ड कोर गेमर के लिए नहीं है। आप अगर थोड़ा बहुत गेमिंग करते हो दिन में एक डेढ़ घंटा तो उसमें चल जाएगा, लेकिन जो हार्ड कोर गेमर होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा देर तक गेम खेलते हैं, उन लोगों के नहीं। और अभी अगर बात करें स्टोरेज टाइप की, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसके ऊपर भी डिपेंड करता है आपका फ़ोन का स्पीड, परफॉर्मेंस, सब कुछ डिपेंड करता है। तो आपको M21 में मिल जाएगा UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप, और F22 में मिलेगा आपको eMMC 5.1 का स्टोरेज टाइप। तो शायद आप लोगों को पता होगा कि UFS 2.1 eMMC 5.1 से बेटर होता है, मतलब रीड एंड राइट स्पीड इसमें बेटर होता है UFS 2.1। और हाँ, एक और चीज़ मैंने बोलना भूल गया कि फ्रंट कैमरा जो है M21 के 2021 वाले एडिशन पर आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा, लेकिन F22 में 16 मेगापिक्सल का है। और अगर आप सेल्फीज क्लिक करते हो ज़्यादा तो उसके लिए M21 आपके लिए बेटर रहेगा। तो इतना ही सारा स्पेसिफिकेशन था जिनमें डिफरेंस देखने को मिला मुझे। और बाकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो दोनों में लगभग सेम स्पेसिफिकेशन मिलता है, जैसे कि 6000 mAh का बैटरी मिलता है दोनों में ही, आपको 15W फास्ट चार्जिंग मिल जाएगा, तो उतना कुछ डिफरेंस नहीं है बाकी स्पेसिफिकेशन में। तो अब आते हैं कंक्लूजन पार्ट पर, और ये कंक्लूजन पार्ट उन लोगों को समझ में नहीं आएगा जिन लोगों ने स्किप करके डायरेक्टली यही पार्ट देख रहे हैं। तो अगर आप स्किप किए हो तो प्लीज़ वीडियो को पहले पूरा देख लो, उसके बाद ही आपको ये पार्ट समझ में आएगा। तो अगर आप ज़्यादा वीडियोस देखना पसंद करते हो, YouTube देखते हो, Netflix देखते हो, मतलब बेसिकली वीडियोस ज़्यादा देखते हो, तो आपके लिए M21 2021 एडिशन वाला बेस्ट रहेगा। और थोड़ा बहुत गेमिंग करते हो दिन में एक से डेढ़ घंटा तो M21 आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप दिन में ज़्यादा गेमिंग करते हो, डेढ़ से दो घंटा या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा, तो आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिलेगा F22 में, लेकिन उतना भी ज़्यादा गेमिंग नहीं कर पाओगे आप, मतलब ये कोई गेमिंग फ़ोन नहीं है, बट M21 से ज़्यादा कंसिस्टेंट मिलेगा आपको F22 में। बट मुझे लगता है कि आप इन दोनों फ़ोन में से कोई एक फ़ोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो आप गेमिंग तो उतने ज़्यादा नहीं करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा डेढ़ से दो घंटे तक ही गेमिंग करोगे। तो मुझे लगता है कि आपको M21 ही लेना चाहिए, क्योंकि इस फ़ोन में भी आप उतना देर गेमिंग कर सकते हो, थोड़ा सा आपको मतलब एक घंटे बाद परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम मिलेगा, बट आपको मतलब फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाता है, उसके साथ UFS 2.1 का स्टोरेज मिलता है, वाइड बैंड 11 का सपोर्ट मिलता है, बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिलता है उस फ़ोन से। तो मेरे हिसाब से आपको M21 2021 वाला एडिशन लेना चाहिए। बट ओवरऑल अगर बात करूँ इस प्राइस रेंज में आपको ये फ़ोन लेना चाहिए कि नहीं, तो मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए, कोई भी फ़ोन नहीं लेना चाहिए इन दोनों में से। और क्यों, इसका रीज़न मैंने बताया इस वीडियो पर, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाओ जाकर देख लो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दो। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो।